I will give my loyalty. I will give my loyalty. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लोग इधर बेचारे 10-10 साल कोई लगा देता, कोई 12-12 साल लगा देता, किसी को 5 साल 6 साल में भी मिल जाती है जो टाइम से आते हैं। तो आज मैं दिखाऊंगा उन सबको सिटीजनशिप कैसे मिलती है, लाइक जो उनकी लास्ट सेरेमनी होती है जिसके बाद ये पक्के यूके वाले हो जाते हैं या ब्रिटिश हो जाते हैं। आज हम आपको सारी वो सेरेमनी साथ साथ दिखाएंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। अभी हम जा रहा हूँ रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ की सारी सेरेमनी हेल्ड होगी। तो अभी मैं रास्ते में हूँ, आपको इंशाल्लाह पहुंच के अंदर दिखाता हूँ कि क्या शगल मेला होता है अंदर। अच्छा तो गाइज ये है सारा रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ भी अंदर नेशनलाइजेशन की लाइक सिटीजनशिप की सेरेमनी हेल्ड होने लगी है। तो अभी हम जाते हैं अंदर और अंदर जाके जो सेरेमनी होती है हम आपको दिखाते हैं कि यार इधर ये सिटीजनशिप कैसे देते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, दिखाते हैं आपको सिटीजनशिप की आज सेरेमनी कैसे लोग ब्रिटिश होते हैं इधर। तो गाइज़ ये सारा एक हॉल सा था जिसके अंदर हमें बिठाया गया था, एक बड़ा प्यारा सा हॉल था जिसमें लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ आए हैं और मैं भी अपने एक फ्रेंड के साथ गया था और उसने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। और इसलिए अपने दोस्त के साथ सिर्फ मैं गया था और बाकी लोग अपने दो फैमिली मेम्बर्स को लेके आए थे। और ये गाइज़ इनकी कंपेयर आ गए हैं जो कि लाइक ओथ लेंगे लोगों से। ये गाइस डिप्टी मेयर आ गए हैं बैक्सले ईद के और ये लोगों को एड्रेस कर रहे हैं अपनी लाइक काउंटी के बारे में जहाँ ये जहाँ के मेयर इन लोगों को बता रहे हैं। और गाइस जो ओथ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रिलीजियस ओथ होता है और जो उस तरफ बैठे हैं सारे रिलीजियस ओथ ब्रिटिश रिलीजियस ओथ ले रहे हैं और जो इस तरफ अभी बैठे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ लेंगे, ये इसलिए अभी बैठे हैं। सबसे पहले उधर वो सबसे नाम पूछती है, नाम पूछने के बाद वो कहती है कि मेरे साथ रिपीट करो, वो ओथ उनसे रिपीट करवाते हैं। और जब इनकी बारी आएगी तो इनको भी नाम लेके इनका सब अपना पहले नाम रिकॉल करेंगे। और आप इन सब के हाथों में एक डॉक्यूमेंट देख रहे होंगे जिसपे ओथ और यूके का नेशनल एंथम लिखा होता है। सबसे पहले ये सारे अपना ओथ लेते हैं और एट दी एंड ये अपना नेशनल एंथम पढ़ते हैं। अब बारी आ गई इस तरफ वालों की जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ उठा रहे थे और आप देख सकते हैं इनके हाथ में अपना एक डॉक्यूमेंट है जो कि ये उस औरत के पीछे रिपीट कर रहे हैं जो कि इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो इस तरह इनका ओथ लिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल और एक रिलीजियस ओथ ये इस तरह उठाते हैं। अब ये ओथ उठाने के बाद आगे जो भी हो रहा है सेरेमनी में आप देखते रहिएगा, साथ साथ चलता रहेगा आपके साथ। और गाइस अब ये जनरल ओथ इधर ले रहे हैं जिसमें ये सारे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, पहले तो सब कॉन्स्टिट्यूशनल ने अपना अलग ओथ लिया था और दूसरों ने अलग, अब ये जनरल ओथ। I will give my loyalty to the United Kingdom, and respect its rights and freedoms. I will uphold its democratic values. I will fulfill my duties as a British citizen. और गाइज ये है फाइनल स्टेप जहाँ सबको इनकी सिटीजनशिप दे जा रही है कि एक जो औरत है वो बैक्सले हीथ की मेयर है और जो साथ उनके पर्सन है वो डिप्टी मेयर है बैक्सले हीथ का। लोगों को सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट है वो उनको पास कर रही हैं और साथ उनकी तस्वीरें खिंचवा रही हैं। और गाइज ऐसा यूनिक कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से आपके भाई ने ये व्लॉग बनाया है, बड़ी मुश्किल से। तो मज़ीद इस तरह के यूनिक कंटेंट के लिए अपने भाई को लाइक करें और फॉलो करें ताकि मेरी इनक्रेजमेंट हो। थैंक यू गाइज। ये फॉर्म दिया जाता है, ये सर्टिफिकेशन है कि आप ब्रिटिश सिटीज़न हो चुके हैं और इसके बाद आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं।
गाइस सेरेमनी के अख्ताम पे जो कंपेयर थी उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि आए आप यहाँ डिफरेंट नेशंस के थे लेकिन इस कमरे से बाहर आप यूके सिटीज़न होके निकलेंगे। और साथ ही बाहर इनका चाय का निज़ाम था, लाइक कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह। और डिप्टी मेयर में लोगों से इधर गप शप चैट शैट कर रहे थे और हमने भी अपने लिए थोड़ी सी चाय और बिस्किट लिए। गाइस आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आपको यहाँ से करते हैं गुड बाय। ये था मेरे पीछे रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ से हम सेरेमनी आज मैं आपको दिखाने लाया था। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।